1985 के ट्रांजिस्टर ब्लास्ट मामले में सभी 31 आरोपियों को साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया है। वो तमाम आरोपी जिनको बरी किया गया है कोर्ट की तरफ से, मेरे साथ बातचीत करने के लिए 35 साल की लंबी लड़ाई इन्होंने इस इंसाफ के लिए लड़ी है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और कैसे इस केस में आपका नाम आया था? मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह है, मैं आजकल लुधियाना में रहता हूँ। पहले इतने रहा इतना उन्होंने परेशानी करके लुधियाने चला गया। अननेसेसरी सारे बेदोष सारे ने फड़ के साडा टैलीफोन नंबर मिलिया जी, आओ जी फड़ दो केस बना दो जी, तुसी की काम करते हो जी, दुकानदारी करो, तुसी फाइनेंस दिता जी, जिस तरह जो मिलया तेरा दोस्त कहड़ा सिख आ जा तू ही आ जा, इस तरह इन्होंने 55 बंदे के केस फड़ के बनाए। सारे 35 साल की लंबी लड़ाई लड़ी, कैसे इतना लंबा वक्त आप लोगों ने इस लड़ाई में बिताया, कितनी मुश्किल थी ये 35 साल की लड़ाई? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। दास इंद्रजीत सिंह हैप्पी शास्त्री नगर तो। जो 1985 के केसों के सानू घरों चक के लैके गए तो उस दे विच साढ़े तो कोरे कागजां ते सैन करा ले, खाली दस्तियां ते सैन कराने तो बाद सानू कहा अज छड़ दांगे कल छड़ दांगे। छड़ना दा की सी, जदों साढ़े घरदियां नू पता लग्या, मोहल्लेदारां नू पता लग्या, मोहल्ले वाले गए तो मोहल्ले वाले नू यह दिलासा दिता गया कि इन्हां नू छड़ दिता जाएगा, कोई ऐसी गल नहीं, पुछ गिछ ले लिता है। जदों 15 दिन लंघ गए, 10 दिन उस तो बाद इन्ना पता लग्या कि इन्हां नू चक के साढ़े उस टाइम के साडा रिमांड लेंदे सीगे, जबरदस्ती पुछदे सी तुहाडा नंबर किहदे कोल गया, कित्थे रहिंदे हो, किहनूं जाणदे हो, लेकिन असी किसी नूं नहीं जाणदे सी। इह वी सारे संयोग दे गल्लां जदों साडे ते इन्हां ने केस पाता, केस पाउण तों बाद इहो जिहा टॉर्चर करदे सन जिंदगी 'च असीं अज तक नहीं देखिया होणा कि इन्ना वड्डा तशद्दद सिख साडे सिख होण दे नाते सिख करके। तो सानूं अहसास होया कि जिहड़े साडे पूर्व सिख सन कि उहनां दी असीं हिस्टरी पढ़दे हाँ कि उस तो बद किन्ना तशद्दद उन्हां ते हुंदा होएगा, जमूरां नाल मास खिच लैते सीगे उन्हां नूं झूठ ते सच कराने लई। ते अज सानूं इस गल दा भी याद हुंदी ध्यान जांदा है ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे ध्यान धरदे हां। मानस की जात सब है एके पहचान वो, अवर अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। असीं उस मूल मंत्र दे सिख हाँ जिहड़े गुरु ने सानू उपदेश दिता है सरबत दे भले की गल करनी, तो असी एक काम दे विच सानू नजायज़। आपके लिए कितना मुश्किल था ये 35 साल का वक्त बिताना और क्या उम्मीद थी कि इस तरीके से बरी करेगा कोर्ट एक दिन? देखो उम्मीद तो थी, इसलिए हमें मालूम था क्योंकि हमारे पे नजायज़ केस डले हुए थे, इसलिए उम्मीद तो हमें थी। मगर ये सरकारों के फैसले कई बार ये होते हैं कि कानून से ऊपर उठ के करते हैं, इनको सिर्फ पत्ते खेलने होते राजनीति तौर पर, तो ये कुछ भी कर सकते थे। मगर फिर भी हमारे मान जो जज साहब उन्होंने, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के जो 35 साल छीने गए हैं वो राजनीति ने छीन लिए? हाँ, राजनीति कह सकते हैं इसमें, राजनीति से हमारे परिवारों के भी जीवन जो वो भी डिस्टर्ब हुआ इसके साथ, हमारा अकेलों का नहीं हुआ। हम तो चलो अंदर बैठ गए थे सारे, छोटे थे सारे ही, मगर बाहर परिवारों की जो बुरी हालत रही है फाइनेंशियली भी वैसे भी ना, उनकी नुकसान बहुत हुआ। अदालत ने आप लोगों को बरी कर दिया है, कैसे देखते हैं अदालत के इस फैसले को? नहीं, मैं तो इसलिए पहले ही कह रहा हूँ कि मान जो जज साहब ने इतने तरीके से चला ना, उन्होंने सही बताया कि उन्होंने सही तरीके से इसको हैंडल किया और कानून के दायरे में रह के ना किसी सरकार का ना किसी का प्रेशर देखा और हमें सबको बरी किया। क्या क्या हम ये न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, तो उसी की उम्मीद पर हम जीवित थे बस कि हमें वहाँ से न्याय मिलेगा, एक दिन ज़रूर मिलेगा। वो जो हमें 5 तारीख को मिला है हम उससे संतुष्ट हैं और उनका जज साहब का भी धन्यवाद करते हैं सबका, जिन्होंने इसमें सहयोग दिया सच को दिखाने में, तो हम भैया ही शुक्रगुजार हैं उनके। बिल्कुल, 35 साल का जो मुश्किल वक्त इन लोगों ने काटा है उसको याद करते हुए आंखें नम हो रही हैं और इन सब लोगों को आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।